राजस्थान की सियासत में सबसे बड़ा राजपूत, जाट या बड़ा नेता कौन की होड़ तो बहुत पहले से चली आ रही है, पर वर्तमान समय में कौन है जो जनता के लिए हर वक्त आगे है, कौन है जो हर समय खड़ा है, ये बहस इस ऑडियो के वायरल होने के बाद शुरू हो गई और लोगों के अपने अपने विचार हैं। आपको भी ये ऑडियो पूरी सुननी चाहिए। इस ऑडियो में जनता का दर्द एक ही है, बस दो नेताओं के और दो पार्टियों के काम करने के तरीके अलग अलग। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि एक आवाज़ नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की है तो दूसरी सांचौर से विधायक जीवाराम चौधरी की। दोनों से ही अभ्यर्थी बसों की व्यवस्था को लेकर परेशानी बता रहे हैं। तो पहले आपको ये ऑडियो सुननी चाहिए जो कही जा रही है कि हनुमान बेनीवाल की है। हेलो हेलो, नमस्कार साहब। हाँ नमस्कार जी। सर मैं सोवराम बम बोल रहा हूँ, बरातल हूँ। हाँ साहब, कोटा हूँ, रवाना हो या बस में, रोडवेज में। हाँ तो रोडवेज बीच में छोड़ दिया होगा आपको, है ना? बीच में छोड़ दिया सर, ये टोंक देवली के अंदर वो कंडक्टर और ड्राइवर बोल रहे हैं इसके पत्ते टूट गए। पत्ते टूट जाएंगे? हाँ नहीं, टूट गए पत्ता, टूट गया पत्ता ला ले पत्ता। अब यहाँ का माना कौन है, मैं क्यों सर का 70 बच्चा जो कोई बस की व्यवस्था ही नहीं है साहब, एक घंटे अडीक जाए देवली उनिया रहा साहब, कोई व्यवस्था करवाओ अजमेर चेपने के लिए। उनिया रहा, हाँ अभी राजेंद्र को कहता हूँ तुमसे बात कर रहा, ठीक है? डुकिया राजेंद्र डुकिया? नहीं नहीं, जिला अध्यक्ष मेरा वहाँ इस नंबर पर। ठीक है ठीक है साहब, तुम बात करो ना, देखता देगा। ठीक है। इस समस्या को जानने के बाद एक और ऑडियो वायरल होती है जहां कथित तौर पर हनुमान बेनीवाल हाल जानते हैं कि क्या व्यवस्था हुई या नहीं हुई। इसके साथ ही ये भी पूछते हैं कि खाने की व्यवस्था करवाऊं क्या। हेलो, तो फोन आया तुम्हारे पास? बिल्कुल साहब, व्यवस्था होगी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हो गई ना बात? हो गई ना? बिल्कुल साहब बिल्कुल, मैंने दोनों इंचार्ज डिप्टी और उन छोरों के राजकुमार को। बिल्कुल साहब, धन्यवाद एमपी साहब, बिल्कुल। अरे खाएगा, थैंक यू सर। अब इसी के साथ एक और ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है। हम वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन इस ऑडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि आवाज विधायक जीवाराम चौधरी की है। ओ, एक स्टूडेंट था डगबा रोडवेज बस डिपो, बस की व्यवस्था करो अजमेर वास्ते। वो तो करीब ही है ना भाई, ये रोडवेज वाला निकली बस रूट निकली रही भराई ने जो हो थोड़ा उबा है लारे। हाँ तो वो तो बस वो इस करे, बीजी तो कोई व्यवस्था नहीं है। तो खेको तो करिए जी, व्यवस्था क्या नहीं करे बस हम नहीं ने हुआ पाए बात पर में करी थी मैं जालो भाई वोट जयपुर थी। हाँ हमारे पास जो व्यवस्था है वो हमने कर दी है ना, एक साथ एक ही नहीं लगा और जो रूट रही एक बस जाए सुबह 8 बजे वो गई है। बसों है नहीं हुआ भाई, एक्स्ट्रा वर्क है और मतलब आगे हमारे पास बसें हैं नहीं। अच्छा आप बसें ला के दो तो वहाँ पे बसों का टोल लाने देना, आज तो हमने 300 बस और शॉर्टेज आ रही थी। पहला तो लगा होता था घनी बस 10-10, 8-8 दिन में एग्जाम देवा जाता, हम कहीं नहीं इसमें वो एग्जाम रे माए हुआ। पहला वो गवर्नमेंट सरकार पहला तैयारी करने करती इधर वे तो लावता रही किराया बसों। अच्छा मगर तो हमको एग्जाम रे ईयर में कुछ मतलब व्यवस्था हमको चेंज करी हुए। हाँ नकल ने पेपर ने डबल पट्टी आ लिया या कौन सिस्टम ने चेंज करी हुआ बस वाले वहां पहल के बस बस वाले वहां जहाँ हुए वो तो पेपर लीक यार के वो सब व्यवस्था से आवे पर तो इतना दिन हो जना हो तो बस दावे तो बीजी व्यवस्था करो भाई कौन है लो बीजी तो मैं करवा रही है का फोन हो तो मैं किधर से व्यवस्था करा हो तो मैं तो पर मैं करी थी बात बसों है नहीं कोई बात अतरी से बीजी को हाँ ठीक है तुम्हारी अब इस वायरल ऑडियो की सच्चाई क्या है इस बारे में फिलहाल तो कोई जानकारी नहीं, न ही हम इसकी पुष्टि करते हैं कि ये बेनीवाल या विधायक जीवाराम चौधरी की आवाज़ है, पर पूरी बातचीत सुनने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।